नमस्कार, मैं प्रिया, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार वासियों को जल्द ही एक और बस स्टैंड की सौगात मिलने वाली है, जिसके तहत जल्द ही राजधानी पटना में एक और बड़ा बस स्टैंड मिलने वाला है। इसके बनने के साथ ही पटना से निकलने वाली लंबी दूरी की बसों के लिए 3 बस स्टैंड हो जाएंगे। हाल के दिनों में पटना गया बाईपास रोड में 0 माइल रामचक बैरिया के पास पाटलिपुत्र अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की शुरुआत की गई है। इस बस स्टैंड के बन जाने से अब एक साथ 700 से अधिक बसें इस स्टैंड पर खड़ी हो सकेंगी। इस बस स्टैंड के निर्माण को लेकर बिहार सरकार भी लगातार प्रयासरत है। यही कारण है कि इस नवनिर्मित बस स्टैंड में पर्याप्त स्पेस मौजूद हो, इसको लेकर सरकार की तरफ से जल्द ही 17 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके बाद ही पूरे बस पड़ाव को एक ही बाउंड्री के अंदर कर प्लेटफॉर्म बनाने का काम शुरू किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि हाल ही में मीठापुर बस स्टैंड को पूरी तरह बंद करके इसको नए बस पड़ाव परिसर में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य पथ परिवहन निगम की तरफ से लंबी दूरी की कुछ बसें बांकीपुर बस पड़ाव से खुलती हैं। हालांकि ISBT स्टैंड पर भले ही पूरे बस स्टैंड को शिफ्ट करने का काम कर दिया गया हो, लेकिन सच्चाई यही है कि इस बस स्टैंड पर अभी भी कई मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जो कि बस चालक और यात्री दोनों के लिए ही परेशानी का सबब बने हुए हैं। वहीं बुड़को की तरफ से वर्तमान ISBT स्टैंड के अंदर सारी सुविधाएं जल्द ही शुरू करने का आश्वासन दिया गया है। नवनिर्मित पाटलिपुत्र बस स्टैंड के लोड को कम करने के लिए प्रशासन की तरफ से दूसरे बस स्टैंड को बनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। साथ ही अधिकारियों ने एम्स के पास ही दूसरा बस स्टैंड बनाने की सहमति दे दी है। हालांकि अभी जमीन अधिग्रहण का काम अंतिम चरण में है। दूसरा स्टैंड बन जाने के बाद यहाँ से औरंगाबाद, सासाराम, विक्रमगंज, बक्सर, भभुआ, आरा, पालीगंज आदि जगहों के लिए बसें खुलने लगेंगी। इसके कारण पाटलिपुत्र बस स्टैंड का लोड कम हो जाएगा। पाटलिपुत्र बस पड़ाव से प्रतिदिन 2000 से अधिक बसों का परिचालन होता है। इस बस स्टैंड के बन जाने से लगभग 400 बसों का परिचालन का लोड कम हो जाएगा। इसके बाद ISBT से राज्य पथ परिवहन निगम की बसें भी खुलने लगेंगी। यहां से दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता, गोरखपुर, लखनऊ, सिलीगुड़ी, जयपुर, सूरत, अहमदाबाद आदि शहरों के लिए बसों का परिचालन आसान हो जाएगा। हालांकि पटना के नए बस स्टैंड को लेकर लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला था, क्योंकि मीठापुर बस स्टैंड को पूरी तरीके से बैरिया बस स्टैंड पर शिफ्ट करने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि नए बस स्टैंड बनने की वजह से लोगों को बस ढूंढने से लेकर तमाम परेशानी का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, पूरे के पूरे बस स्टैंड के शिफ्ट होने से जाम की समस्या तो आम हो गई है। लोगों को समस्या जगह बदलने से नहीं थी, बल्कि इस बात से थी कि असुविधा भरमार है। ऐसे में अब नए बस स्टैंड के बनने से लोगों को आराम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।